गण गणपताय नमः, ओम सिद्धि विनायकाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। आज मेरे साईं का दिन है, सचिदानंद शिरडी वाले साईनाथ भगवान की जय। महाराष्ट्र के आराध्य देव तो हैं ही हैं, साथ में पूरे विश्व को अपनी कृपा से कृपावान करते रहते हैं। सबके मसीहा, उनको प्रणाम करते हुए चलते हैं। आज 3 दिसंबर 2015 दिन गुरुवार, साईं की आराधना करते हुए ओम भगवते साई नाथाय नमः। आज के 12 राशियों के राज ज्योतिष के कार्यक्रम की तरफ। सिंह राशि में चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं, पूर्व फागुनी नक्षत्र है और 1:30 से 3 बजे तक राहु काल है। पहली राशि मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वाली स्त्रियां आज बहुत ही बड़े सुख का अनुभव करेंगी, उनके व्यापार में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। मगर पुरुषों से अनुरोध है कि किसी भी तरह की कोई भी जल्दबाजी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मंगल की अपनी राशि है, क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें। कुल मिलाकर आज का दिन 60% उत्तमता भरा दिखाई देता है। साईं की आराधना, पीले रंग का उपयोग और 5 नंबरों का उपयोग लाभकारी होगा। आगे बढ़ते हुए वृष राशि, शुक्र की अपनी राशि है, समय की अनुकूलता बहुत ही सुंदर है, व्यापार में वृद्धि के योग बने हुए हैं, नए नए कार्य में आपका मन लगेगा। विद्यार्थी, शिक्षार्थी, साइंटिस्ट आज नई नई खोज निकालने की कोशिश करेंगे। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर के धंधे में हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। 70% उत्तमता भरा दिन, नीले रंग का उपयोग करें और आज का भाग्य अंक है 3। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए भी आज का दिन शुभ कारक है, व्यापार में वृद्धि के योग बने हुए हैं। नौकरी पेशा वाले जितने भी लोग हैं, उनको कोई ना कोई बड़े धन का लाभ मिल सकता है। रिश्वत नहीं, धन लाभ। पुराने अटके हुए PPF की बात कर लें, पुराने अटकी हुई ग्रेचुटी की बात कर लें, धन लाभ के योग बनते हैं। शिक्षकों को, सैनिकों के लिए बहुत ही सुंदर दिन है। कुल मिलाकर 70% से 75% उत्तमता भरा आज ये कह सकते हैं। इट इज द बेस्ट राशि ऑफ द डे। आज आप हरे रंग का इस्तेमाल करें और भाग्य अंक है 8। आगे बढ़ते हुए कर्क राशि की बात करते हैं। चंद्रमा की राशि है, मन थोड़ा सा विचलित रहेगा, समय को आप संभाल नहीं पाएंगे, नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। हो सके तो अपने बच्चे की तरफ ध्यान दें, कहीं व्यसनों की तरफ तो नहीं चला गया, कहीं आवारागर्दी की तरफ इसकी नज़र तो नहीं चली गई, कहीं स्कूल जाकर बंक तो नहीं कर रहा। टीचर से, मास्टर से, प्रिंसिपल से उसकी रिपोर्ट मंगवाएं। स्त्रियों से भी अनुरोध है कि अनैतिक संबंधों की तरफ बढ़ सकती हैं, उसको रोक लें, कंट्रोल योर इमोशन। कुल मिलाकर 40% से 50% आज का शुक्रवार साईं की आराधना करने से समय और अच्छा हो सकता है। पीले रंग का उपयोग करें, साईं के मंदिर जाके पीले फूलों को अर्पित करें, साथ में 4 नंबरों का उपयोग करें, अपने आप दिन का लाभ जो है मिलना शुरू हो जाएगा। अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, थोड़े ही समय में वापिस हाजिर होता हूं। देखते रहिए राज ज्योतिष।